जैन साथियों, कैसे हो आप? सर, मैं स्वागत करता हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज दोस्तों मैं आपके लिए सुपर टेस्ट लेके आ गया हूँ। अगर आप दोस्तों आईटीबी ट्रेसमेंट, डीएसएसपी, दिल्ली पुलिस का पेपर देने वाले, ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों आपको टेस्ट पूरा देखना है और आपके फ्रेंड्स कितने क्वेश्चन इसमें सही बने आप प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन है ये, भारत के किस राज्य में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। अपना क्वेश्चन का आंसर आप मन में सोच लीजिएगा और आपके इस टेस्ट में कितने क्वेश्चन सही बने हैं प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी नदी केवल भारत में बहती है व अन्य देश में नहीं बहती व जाती? आपसे पूछा गया है दोस्तों, इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो भारत में बहती है व अन्य देश में नहीं तो जाती और नहीं बहती है, ठीक है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए रावी, गंगा, गोदावरी, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर दीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्किम किस वर्ष भारत का 22वां राज्य बना? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1975, 1975 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरल में अधिकतम लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलयालम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की विशालतम झील कौन सी है? ये आपके ऑप्शन है, आंसर दीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैस्पियन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झेलम। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची इमारत का नाम क्या है? आपके ऑप्शन ये दिए गए हैं, सीएन टावर, ताइपे, बुर्ज अल खरब, बुर्ज खलीफा, आंसर दीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुर्ज खलीफा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यू गिनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, ठीक है। आपसे पूछा गया है इनमें से किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के आधार पर भारत के राज्यों को पहली बार पुनः गठन कब किया गया? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1953, 1953 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिहिद बांध कौन से राज्य में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तापमान की ऐसा इकाई क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर दीजिएगा।
आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायु, तापमान की ऐसा इकाई वायु है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बार 13 शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर दीजिएगा। फ्रेंड्स, इसमें एक ऑप्शन नहीं है, आप इन तीन में से आंसर दीजिए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहवाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे विशाल वन कहाँ है? आपसे पूछा गया है दोस्तों, विश्व का सबसे विशाल वन कहाँ है, कौन से देश में, आपको को बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताइएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राजील। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टेहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों। ये आपसे पीछे जो पेपर आपके हो रखे हैं गवर्नमेंट जॉब के, उनमें आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी भागीरथी। ठीक है, टेहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काजीरंगा उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय होना था। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो आंसर दीजिएगा। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और दोस्तों ये एक सिंह गैंडे के लिए काफी फेमस से उद्यान माना जाता है। यहाँ पे एक सींग वाला गेंडा होता है, ठीक है, जिसका ओनली एक सींग होता है, उसके लिए प्रसिद्ध उद्यान है ये। ध्यान दीजिएगा इस बात पे भी, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो प्लीज इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ये कहाँ पर है ये बताइएगा। ठीक है, कौन से स्टेट में है ये, और इनमें से आंसर कौन सा आपका वो बताइएगा मुझे। ठीक है, और सोच समझ के आंसर दीजिएगा, ये काफी कंफ्यूजिंग पर्सन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे साफ सुथरा शहर कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर दीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुनील अरोड़ा जी। ठीक है, जो कि अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और दोस्तों डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है वही मुझे कमेंट करके बताइएगा आप। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो दोस्तों इतना ही था। आपको दोस्तों ये टेस्ट कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच।